दो साइंस हैं चेक करने के लिए कि मेरा मन कितना पावरफुल है। एक, हम कितना ज्यादा सोचते हैं हर बात के बारे में, हम कितना ज्यादा सोचते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू फील कि आप ज्यादा सोचते हो? उठा लो, एवरीथिंग इज राइट। हम आए ही अपने पीछे गार्डन का ध्यान रखने के लिए हैं आज। अगर पीछे के गार्डन पे टाइम नहीं स्पेंड करेंगे तो वीड्स तो निकल ही आएंगे ना, लेकिन उससे क्या हुआ, हम उसको तो निकालने के लिए आए हैं ना। तो मुझे पता तो होना चाहिए ना, लेकिन मेरे मन की स्थिति क्या है। तो मन की शक्ति घटना अर्थात ज्यादा सोचना। और जब हम ज्यादा सोचते हैं, उसका मीनिंग ही है कि क्वालिटी ऑफ थॉट्स, क्वालिटी ऑफ थॉट्स लोअर है। क्वालिटी ऑफ थॉट्स हायर होगी तो कभी ज्यादा नहीं सोचेंगे। इस हॉल में एंटर करो, एक थॉट क्रिएट करो, बहुत सुंदर है, एक दो थॉट में फुल स्टॉप। अब इस हॉल में एंटर करो, इसकी गलतियां निकालो, ये भी ऐसा नहीं, वो भी नहीं, ऐसे ना वो से 10-20 थॉट्स ऐसे ही क्रिएट हो जाएंगे। सो ऑलवेज चेक, व्हेन योर माइंड इज थिंकिंग टू मच, इट मींस इट इज थिंकिंग नेगेटिव। आप अपने मन की गति को रोक नहीं सकेंगे। यू कैन नॉट स्टॉप योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग, यू कैन नॉट सप्रेस योर माइंड फ्रॉम थिंकिंग, लेकिन आप सिर्फ राइट सोचना शुरू कर दो, स्पीड अपने आप कम हो जाएगी, स्पीड अपने आप कम हो जाएगी। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जितनी स्पीड कम होती जाएगी, अंदर की भरपूरता बढ़ती जाएगी। और जितनी भरपूरता बढ़ती जाएगी, हम ऐसे से ऐसे होते जाएंगे। जीवन में अचानक कोई भी सिचुएशन आ सकती है, और जब भी कोई सिचुएशन आती है, हम देखते हैं कि इसके लिए ब्लेम किसको करें। कहते हैं ना, ये किसकी वजह से हुआ, ये इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ, इसकी वजह से हुआ। और जब कोई थोड़ी बड़ी सिचुएशन आती है जिसके लिए हम यहाँ वहाँ उंगली नहीं रख सकते हैं, तो फिर हम उंगली कहाँ रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं? ये लाइट किसकी वजह से टूटी, ये लाइट किसकी वजह से टूटी, क्या लगता है किसकी वजह से टूटी? उसकी मर्जी। बचपन से ही सुन लिया था कि जो कुछ हो रहा है उसकी मर्जी से हो रहा है। एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल, राइट? पत्ता पत्ता भी उसकी मर्जी से हिलता है, राइट? राइट राइट राइट, पीछे ऊपर। अगर सब कुछ उसकी मर्जी से हो रहा होता तो ये लाइट टूटती ना। क्यों तोड़ेगा वो लाइट ऊपर से बैठ के? मतलब क्या मजा आया उसको ये करके? कभी सोचते क्यों नहीं हम ऐसा? वो बैठे बैठे ऊपर से लाइट तोड़ देगा, चलो बोर हो रहा हूं इनकी लाइट तोड़ता हूं, ऐसे? एवरीथिंग इज हैपनिंग एज पर गॉड्स विल, इसका मीनिंग क्या है? आज दुनिया में इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, एक भी दिन नहीं है जहां सृष्टि पर सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी शहर में, कभी अपने घर में। इतना कुछ हो रहा है, इतना कुछ हो रहा है, और ये सब कुछ जो हो रहा है उसके लिए हम कहते हैं ये सब परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। अगर भगवान की मर्जी से हो रहा होता तो सृष्टि कैसी होती? अगर भगवान की मर्जी से हो रहा होता, ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा होता, तो दुनिया कैसी होती? दुनिया कैसी होती? परफेक्ट होती। और दुनिया परफेक्ट नहीं है। आज तो हम ऐसे समय से चल रहे हैं कि आप किसी के भी घर का दरवाजा खटका के पूछ लो कि आपकी लाइफ में एवरीथिंग फॉर एवरी फैमिली मेंबर इज परफेक्ट, नहीं। तो हम ऐसे समय पर पहुंचे हैं कि शायद ही कोई घर मिलेगा जहां सब कुछ परफेक्ट चल रहा हो, और बाहर सब कुछ परफेक्ट चल भी रहा हो, लेकिन माइंड भी तो परफेक्ट चलना चाहिए ना। और इस सब के लिए हमने कह दिया ये सब कुछ उसकी मर्जी से। अगर भगवान की मर्जी से दुनिया चलती तो दो क्राइटेरिया होते, एक तो सब कुछ परफेक्ट होता, एंड दूसरा सबके लिए इक्वल होता। इफ गॉड हैड टू राइट द डेस्टिनी देन ही विल राइट इक्वल फॉर एवरीबडी ना। ऐसे थोड़ी आपके लिए ज्यादा मेरे लिए कम, दैट इज तो नॉट फेयर। ऐसे कैसे हो सकता है? कोई 100 वर्ष तक हेल्दी है और कोई बच्चा आया ही बीमारी के साथ है, ये कैसे हुआ? कोई आया तो उसके लिए 20 लोग थे उसके परिवार में उसको लाड प्यार करने के लिए,
और कोई आया तो उसके पास माँ भी नहीं है उसको उठाने के लिए, ऐसे कैसे डिसाइड होता है? कोई आया तो वो ऐसे मकान में पैदा हुआ जिसका अपना प्राइवेट हेलीकॉप्टर है, और कोई आया तो उसको आते ही खाने के लिए भी नहीं है, ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है बोलिए, ये कौन डिसाइड करता है? कर्म। तो फिर हम ये क्यों कहते हैं कि ये सब कुछ वो डिसाइड करता है? तो चेंज करना पड़ेगा ना। सो दो कॉन्सेप्ट हैं, दो बिलीफ सिस्टम है जो बचपन से सुने थे, एक है एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय, एंड एक है एज इज माई कर्म सो इज माई कॉन्सिक्वेंस, जैसा मेरा कर्म होगा वैसा ही उसका परिणाम होगा। कर्म हमारे बहुत अच्छे हैं, कभी कभी हमारे से गलतियां होती हैं, तो कर्म हमारे परफेक्ट नहीं है, और दूसरा कर्म हमारे एक जैसे नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसीलिए डेस्टिनी भी परफेक्ट नहीं है और डेस्टिनी भी इक्वल नहीं है। तो दोनों में से कौन सा राइट है? एवरीथिंग इज एज पर गॉड्स विल और एवरीथिंग इज एज पर माई कर्म। जी हाँ जी, अच्छा कॉम्बिनेशन बताइए जरा। हाँ नहीं इट्स फाइन, कॉम्बिनेशन बताइए। हाँ दैट ऑल्सो विल सी, बट फिर कॉम्बिनेशन बता दीजिए आप पहले। इफ गॉड इज प्लानिंग देन वाई वुड अ न्यू बॉर्न बेबी बॉर्न विद सो मेनी डिफेक्ट्स? तो प्रीवियस जन्म भी तो कर्म हमने किए थे ना, भगवान ने थोड़े किए थे, तो वो भी तो मेरे ही कर्म हुए ना, तो उसमें भी उसने नहीं किया। अगर उसके पास पावर हो तो फिर अगर मैंने कर्म किए भी होते ना गलत, तो वो उसको नलिफाई करके मुझे नेक्स्ट बर्थ हेल्दी दे देता। आप अपने बच्चों की गलती को माफ कर देते हैं ना, कर देते हैं, लेकिन फिर भी आप उनके कर्म का कॉन्सिक्वेंस उनके लाइफ में आने से रोक नहीं सकते, आप माफ कर सकते हैं सिर्फ, कॉन्सिक्वेंस फिर भी आएगा ही आएगा। सो इट इज ओनली वन एंड वन थिंग, माई प्रीवियस जन्म इज ऑल्सो माई कर्म, माई कर्म। तो जब हमें ये याद रहता है कि मैं ये शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, तो आज मैं इस शरीर में हूं, इसके पहले मैं दूसरे शरीर में थी, और जब मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं तो अपने साथ क्या लेकर जाती हूं? संस्कार और कर्म। दुनिया कहती है खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे, सच तो नहीं है। हाँ ये सारा बिजनेस तो यहीं छोड़कर जाएंगे, एक बिजनेस है जो हम यहां छोड़कर जाएंगे और एक बिजनेस है जो हम अपने साथ लेकर जाएंगे। तो जो बिजनेस इन आंखों से दिखाई देता है वो यहां रह जाएगा, आपके बच्चे मौज उड़ाएंगे, विच इज गुड, उनको देकर जाइए, लेकिन जो आप अपने बच्चों के लिए छोड़कर जाने वाले हैं वो है जो दिखाई देता है। लेकिन आप हर कर्म कैसा करते हैं वो आपके साथ जाएगा, उसमें आपके बच्चे आपके भागीदार बनने वाले नहीं हैं। तो जब आप अपना ध्यान न रखकर, नहीं मुझे काम करना है काम करना है काम करना है, आराम नहीं करना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, काम करना है, याद रखना सब कुछ जो कमा रहे हो वो बच्चों के पास जाएगा और कर्म जो कर रहे हो वो आपके साथ जाएगा। उसके भागीदार उन्होंने बनना नहीं है आपके साथ, तो थोड़ा सा अटेंशन रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। यस, तो दो बिजनेस चल रहे हैं, एक हियर प्रॉफिट एंड लॉस और एक हियर प्रॉफिट एंड लॉस। एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ती हूं, क्या क्या पीछे रह के जाएगा? वैसे हम सब छोड़ेंगे, किस किस को पक्का है? नहीं नहीं याद दिलाना चाहिए अपने आप को बीच बीच में, नहीं तो कहें गलती में रहते, मैं हमेशा रहने वाला हूं इधर ही सब चीज के साथ, ऐसे ही तो पकड़ के बैठते हैं हम हर चीज को, अटैचमेंट सो स्ट्रॉन्ग। आर वी ऑल गोइंग टू लीव वन डे? हाथ उठा लो एक बार। ओके, डू वी नो व्हेन वी आर गोइंग टू लीव? शुड बी वी रेडी टू लीव एनी मिनट? और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? हर क्षण मैं किसी भी क्षण आत्मा इस शरीर को छोड़ सकती हूं, और जब मैं इस शरीर को छोड़ू तो मेरे साथ सिर्फ मेरे कर्म और संस्कार जाने वाले हैं। तो छोड़ने से पहले मेरे कार्मिक अकाउंट कैसे होने चाहिए?
कैसे होने चाहिए? छोड़ने के बाद तो नहीं चांस मिलेगा कुछ भी ठीक करने के लिए? छोड़ने से 2 घंटा पहले भी पता चल जाए तो हम क्या कर लेंगे? तो अगर मुझे श्रेष्ठ कर्म और संस्कार लेकर जाने हैं और मुझे ये पता नहीं है कि मैंने कब जाना है, तो मुझे जीने का तरीके को क्या करना पड़ेगा? तो एक क्षण में मैं आत्मा शरीर छोड़ूंगी, परिवार पीछे रह जाएगा, कंपनीज पीछे रह जाएंगी, फैक्ट्रीज पीछे रह जाएंगे, सामान पीछे रह जाएगा, प्रॉपर्टीज पीछे रह जाएंगी, इतना पैसा कमाया पीछे रह जाएगा, शरीर भी खत्म हो जाएगा, सिर्फ मैं आत्मा आगे जाऊंगी और मेरे साथ क्या जाएगा? मेरे कर्म और मेरे संस्कार। सो 2 बिजनेस चल रहे हैं, एक शॉर्ट टर्म, एक लॉन्ग टर्म। एक बिजनेस इतने ही समय के लिए है, इम्पॉर्टेंट है लेकिन शॉर्ट टर्म है, और एक बिजनेस इटर्नल है, वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, वो मेरे साथ कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। बच्चा पैदा होगा और 1-2 दिन के अंदर पंडित जी जन्मपत्री बनाएंगे। आप किस किस के पास जन्मपत्री? हाथ उठाना एक बार। अच्छा, सबके पास है। किस दिन बनी थी? जब बच्चा पैदा हुआ था। वो जन्मपत्री देखकर पंडित जी कहते हैं जी ये होगा, 10 साल बाद ये होगा, ये बहुत अच्छा है, ये 5 साल थोड़े से मुश्किल है, ऐसे ऐसे। हमने कभी सोचा जो बच्चा पैदा हुआ अभी तक नाम भी नहीं रखा उसका, और इन्होंने तो उसकी पूरी जन्म कहानी सुना दी। कैसे बताया? क्या साइंस है? ये कोई मैजिक है जो बता रहे हैं? वो नहीं, वो साइंस है, वो विज्ञान है, साइंस ऑफ माई कर्मा। तो वो सारी चीजें जो बता रहे हैं, और वो जो जन्म पत्री आपके पास घर पर पड़ी है, वो जिस दिन बच्चा पैदा हुआ उस दिन की उसके बिजनेस की ओपनिंग बैलेंस शीट थी 1 अप्रैल, और उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट कब थी? उसकी क्लोजिंग बैलेंस शीट कब थी? पिछले शरीर में लास्ट मिनट। तो विजुअलाइज करो, मैं आत्मा इस शरीर में हूं, कर्म 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 कर्म, इतने सारे कर्म किए, इतनी सारी ट्रांजैक्शंस बनी, कुछ अच्छी कुछ गलत। एक क्षण आया मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा, और वो क्षण जब मुझ आत्मा ने शरीर छोड़ा वो मेरी क्लोजिंग बैलेंस शीट थी, और मैं आत्मा गर्भ में प्रवेश किया, बच्चा पैदा हुआ, पंडित जी ने जन्म पत्री बना दी, वो है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। तो मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट इज आइडेंटिकल टू माय क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ये वो बिजनेस है जो सिर्फ एक जीवन काल नहीं चलेगा, इसलिए जब वो बच्चा पैदा होगा तो उसके पास कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, कुछ थोड़ी मुश्किल होंगे, डिपेंड्स ऑन वो पिछली ट्रांजैक्शंस कैसे करके आया है। अब वो जो जन्म पत्री बनी वो सिर्फ ओपनिंग बैलेंस शीट है। हम कई बार उस ओपनिंग बैलेंस शीट को जीवन भर की बैलेंस शीट बनाकर चलते रहते हैं। क्या आपका बिजनेस वही है जो 1 अप्रैल को होता है, पूरा साल वैसे ही चलता है? यस और नो? अगर आप अपनी ओपनिंग बैलेंस शीट में 1 अप्रैल 2023 को अगर आप लॉस लेकर भी आए हैं, इसका मतलब पूरा 2023 बुरा ही चलेगा? बता दो, बिजनेस आप करते हो, मैं तो करती नहीं, मुझे पता नहीं है, चलेगा बिजनेस 2023 अच्छा या बुरा ही चलेगा सारा? अच्छे से बोलो ना, यहाँ रिकॉर्ड हो रहा है, उसके लिए क्या करना है? लेकिन अगर आप हर रोज अपनी 2023 की 1 अप्रैल की बैलेंस शीट को देखते रहो और कहो ये भी ठीक नहीं है, 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 तो अपने आप पूरा 2023 वैसा ही बीत जाएगा। वो जन्म पत्री आपकी ओपनिंग बैलेंस शीट है, आगे का बिजनेस आपके प्रेजेंट कर्म डिसाइड करेंगे, आपके पास्ट कर्म नहीं। इसलिए बार बार अपने पास्ट कर्मों को देखकर अपना भविष्य न बनाएं, क्योंकि आपका भविष्य पास्ट कर्मों के आधार से नहीं, आपके प्रेजेंट कर्म के आधार से बनता है। भाई साहब ने कहा एक बच्चा पैदा हुआ बीमारी के साथ पैदा हुआ, पास्ट कार्मिक अकाउंट, लेकिन वही बच्चा इस जीवन में कमाल कर सकता है या नहीं कर सकता?
लेकिन कोई बच्चा पैदा हुआ, सब कुछ परफेक्ट 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 था, मतलब ओपनिंग बैलेंस शीट बहुत ही बढ़िया थी, लेकिन हो सकता है वो इस जीवन काल में कुछ ऐसी गफलत करे कि तो भाग्य ही बदल जाए। तो द फर्स्ट डे दैट बैलेंस शीट इज ओनली अ ओपनिंग बैलेंस शीट, इट इज नॉट अ डेस्टिनी फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो बार बार उस जन्म पत्री को रेफर करके अपनी लाइफ ना लीड करें, क्योंकि उससे क्या हो जाएगा, प्रेजेंट कर्म की क्वालिटी अफेक्ट हो जाएगी। वो एक साइंस है, वो हमें क्या बताती है ये हमें पता होना चाहिए, और फिर हमें क्या करना है वो भी हमें पता होना चाहिए।